नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रशांत शर्मा। भारत में क्रिकेट और क्रिकेटर्स की लोकप्रियता पर किसी भी तरह का सवाल उठाना काफी बेबुनियादी होगा, क्योंकि भारत में क्रिकेटर्स की लोकप्रियता कितनी होती है और उनके चाहने वाले कितनी तादाद में होते हैं, इसका अंदाज़ा लगा पाना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन क्रिकेट के इस खेल में कई खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं जो अच्छे प्रदर्शन के बावजूद भी गुमनामी के साए तले दबे रह जाते हैं। अच्छे प्रदर्शन के बावजूद भी उन्हें ना तो आईपीएल की किसी बड़ी फ्रेंचाइज के लिए खेलने का मौका मिल पाता है और ना ही राष्ट्रीय टीम की उन पर नज़र जाती है, जिसकी वजह से खिलाड़ी को गुमनामी का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ देखा गया है भारतीय घरेलू स्तर के दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज शेल्डन जैक्सन के साथ, जिन्हें भारत की बड़ी मीडिया कंपनी के बड़े पत्रकारों ने एक चर्चा के दौरान भारतीय खिलाड़ी में ना गिनते हुए विदेशी खिलाड़ी समझकर उन पर चर्चा की। दरअसल हुआ यूं कि वो सभी पत्रकार आईपीएल की टीम केकेआर को लेकर चर्चा कर रहे थे कि टीम में किन चार विदेशी खिलाड़ियों को रखा जाए, जिसमें फिंच, सैम बिलिंग्स के साथ लगातार शेल्डन जैक्सन का नाम भी शामिल किया जा रहा था। दुर्भाग्यपूर्ण पत्रकार ये भूल गए कि शेल्डन जैक्सन भारत के घरेलू स्तर के खिलाड़ी हैं, जिनका डोमेस्टिक में लाजवाब प्रदर्शन रहा है। इससे भारतीय फैंस काफी ज्यादा नाराज दिखाई दिए हैं और उन्होंने लगातार ट्विटर पर अपना रिएक्शन भी दिया है। भारतीय फैंस इतने ज्यादा भड़के हुए दिखाई दिए कि शेल्डन जैक्सन पल भर में ही ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे। आपको बता दें कि शेल्डन जैक्सन घरेलू स्तर पर सौराष्ट्र के लिए खेलते हैं, जिनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट में औसत लगभग 50 का है। शेल्डन जैक्सन को इस साल फिर से केकेआर ने अपनी टीम में शामिल किया है। वो पिछले साल भी केकेआर का हिस्सा थे, लेकिन केकेआर मैनेजमेंट ने पूरे सीजन ही उन्हें बेंच गर्म करवाया। काबिलियत होने के बावजूद भी उन्हें वो मौका नहीं मिल पा रहा है जिसके वो हकदार हैं। हालांकि इस सीजन में वो मुख्य भारतीय विकेटकीपर हैं, तो शायद इस सीजन उन्हें खेलने का मौका मिल जाए। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।